तो जोड़े के हम जो बात कर रहे थे रिंग्स की, तो आप रिंग के बारे में बता दीजिए मुझे कि रिंग हाँ कैसा होना भैया, चाहिए। रिंग भी होता है जी, जो कबूतर की आँख के ऊपर रिंग होता है जी। जैसे देखो ये पीली आँख की कबूतरी है, इसके ऊपर रिंग आता है जो पुतली के ऊपर जी 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 हाँ, पुतली के ऊपर एक रिंग दिख रहा है ब्लैक हाँ, इसकी देखो जो पलक भी दिख रही है, सिंदूरी दिखती है ना माड़ी माड़ी, सिंदूरी ये सबसे बढ़िया कबूतरी है। क्या बात है, ये सिंदूरी पलका बोल देते इसको, सिंदूरी पलकों की कबूतरी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो पलका होती है सिंदूरी बहुत अच्छी होती है जी। कबूतर बहुत सियाना होता है घर को, अच्छा कबूतर भागता नहीं कभी भैया। ओके, जो सिंदूरी पलकों के जो बच्चे इसके बहुत अच्छे और रिजल्ट देंगे, जैसे शाम तक 5-6-7 घंटे तो मूली बात है, आराम से उड़ेंगे उड़ेंगे। जैसे कबूतर हमने ज़्यादा डाने हैं, जैसे 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे, वो तुम्हारी डाइट में डिपेंड कर जाएगा, नुक्ते में डिपेंड कर जाएगा भैया। ओके, वैसे कबूतर सब हर कोई उठता है, बस उसकी डाइट प्रॉपर होना चाहिए। डाइट प्रॉपर नहीं होती कबूतर खिलाड़ी के पास, कबूतर कमजोर हो जाता है, कबूतर भाग जाता है, जहाँ सिप पड़ जाती है उसकी, जहाँ गर्मी पड़ जाती। किसी खिलाड़ी को तो ये भी नहीं पता होता कबूतर की गर्मी कैसे निकालनी है, तो क्या आप बता सकते हैं कबूतर की गर्मी कैसे निकाल सकते हैं? नुक्तेबाजी ज़्यादा बताता नहीं, तो फिर भी मैं 2-3 लफ्ज बता देगा, कोई बात नहीं जी। मेरे खिलाड़ी है सब, मैं सब खिलाड़ियों से प्यार करता हूँ जी, जी जी। जैसे ले लो अपनी मलट्ठी, मलट्ठी आम चीज़ें मिल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी मलट्ठी लेके एक छोटी इलायची ले लो, थोड़ी सी छोटी इलायची, संदल बूरा लेके तीनों चीजों का एक चुटकी लेके पाउडर कर लेना पहले सारी चीज का जी। उसको पानी के रात को प्याले में भेजो, अच्छा रात को भिगो के सवेरे उसको कपड़े छान करके पिला दो, कपड़े से छान के पिला दो, बिल्कुल कबूतर बिल्कुल गर्मी सारी कबूतर की अंदर से निकल जाएगी। क्या बात, जे भैया वो नहीं कर सकते जी, मैं एक और बताता थोड़ा छोटा सा नुक्ता जी जी। दही का पानी होता है ना जो कुंडे में, दही जमा होता है ना हाँ, हाँ, हाँ। उसका पानी दही का पानी जो प्याले में बाद में बच जाता है, दही लवाई भेज देते हैं हाँ, 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 हाँ। उसके बीच पानी बच जाता है जी, जी, जी। उस पानी को पुन के 2-3 पुदीने की बूंदे पाके जी, पुदीन हरा होता है ना, पुदीना वो आम हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा, उसकी 2-4 बूंदे डाल के ओके वो कबूतर को प्याला, सारी कबूतर की गर्मी 1-1.5 घंटे में सारी बार। क्या बात है, तो ये अंदर की चीजें बताते नहीं उस्ताद जी, मैं बताता नहीं भैया, फिर भी मैं तुम इतनी दूर से मेरे मान मेरा करने आए तो मैं कैसे ना करूं भैया तुम्हारा जी, मान। बिल्कुल मेरे नुक्ते बहुत है, हजारा है मेरे पास जी जी जी, तो पर मेरी मजबूरी है, मेरे गुरु ने कसम खवाई है, नहीं नहीं मैं बताएगा जो मेरे पास पूछने वाली चीज है पूछो तो मैं बता भी देगा, ऐसी नहीं मैं सोचता, मैं कहता हर खिलाड़ी को टॉप का बने जी बिल्कुल। और कुछ नस्ल है इसमें जी, ये एक और नस्ल आ गई है हमारे सामने, ये तो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, जो कलर जो है इनका माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, क्या बात है। ये भी प्योर मलवाई कबूतर है, प्योर पंजाबी कबूतर जिसको बोलते भैया, क्या बात, ये डब्बे बोलते हम, डब्बे अच्छा। देखो डब्बे ना काला, अच्छा इसके ऊपर लाल डब्बा है, अच्छा इसके ऊपर काला डब्बा है, इसके ऊपर अच्छा। लाल डब्बा है जी जी, इनको डब्बे बोलते हैं, प्योर मलवाई है। ओके, ये कबूतर मशहूर हुए थे जंटे का आलमगीर वाले के, जंटे आलमगीर हाँ, जो उस्ताद है वो बुजुर्ग है मेरे जी जी जी, उनके बहुत देने इन कबूतरों के डब्बों के ऊपर। ओके, उनके कबूतर मशहूर है, ये कबूतरों के बच्चे शाम तक उड़ते हैं ये भैया, जी मलवाई डब्बे कबूतर है जी जी जी, लाल डब्बी कबूतरी है। और इनका नाम उस्ताद जी, इसके आप किसी उस्ताद जी के बारे में बता रहे, जंटे वाले उस्ताद के बहुत मशहूर हुए जी जी, जो बुजुर्ग है हमारे जी, उनके कबूतर डब्बे मशहूर हुए थे जी, लाल जी, डब्बे जी। और काले डब्बे। और इनकी खास बात क्या होती है भैया, इनकी खास की इनके कबूतर जहाँ गांव में छोड़ते हैं मुकाबले में जी, वहाँ कबूतर उतरते थे, अच्छा जहाँ पे आप लेके जाएंगे वहीं वहाँ उड़ाएंगे, वहाँ उतरते थे, एक गांव नहीं छोड़ते, बाकी कबूतर गांव छोड़ जाते थे ना जी जी, एक गांव नहीं मारे डब्बे छोड़ते, जो छतरी वाले अलग होते और ये डब्बे अलग होते हैं, नहीं नहीं भैया एक ही सेम ही होते हैं, मलवई होते हैं जी, इनको नाम डब्बे दिया गया है, अच्छा जब इनके ऊपर है ना शरीर के जी जी, डब्बे बोलते हैं हम। ओके अच्छा, ये डब्बे कबूतर हमारे काफी मशहूर है, इनों के बच्चे बहुत उड़ते हैं हमारे मुकाबले में, मलवईयों के जब मुकाबले होते हैं। इनकी आंख भी एक बार दिखा दीजिए हमारे, हाँ भैया देखो आंख, ये काली आंख के भैया, काली आंख के डब्बे वाले कबूतर जिनको बोलते हैं, डब वाले कबूतर, डब वाले इन्हों डब्बे डब्बे बोलते हैं। एक मिनट, क्या बात है, ये देख लीजिए इनकी आईज, बहुत ही खूबसूरत कबूतर है ये, क्या बात है, ये देख लीजिए इनके आइस,
इनके पंख, ये देखिए है इसके मादिन। आ देखो भैया, जैसे अपने हाथ की मुट्ठी होती है ना, जी जी, एक जी। सिर्फ मुट्ठी में इसको कवर कर ले मैं। क्या बात, देखो इसका शरीर बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल कवर हो जाएगी। और ये जब मैंने पहली बार जो देखा था, मैंने बोला था ये बच्चा है क्या छोटा, नहीं तो ये वही है, ये वही वही है, मदीन है। अच्छा, ये बड़ी मादिन हुआ है। क्या बात है, लेकिन ऐसी लगती है बिल्कुल छोटी, ये बहुत छोटे शरीर की है, बहुत छोटा है, हाथ जितना इसका शरीर है देखो। जी 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 जी, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं छोटे वजूद के जो कबूतर होते हैं वो हवा में बह जाते हैं, ऐसा सब कुछ सही होता है? ये तो सब भैया पहले भी कई बातें बताई है, बिल्कुल लोगों की सोच नहीं है, जितने छोटे कबूतर ज्यादा उड़ते, जितने छोटे उतने ज्यादा होंगे, बढ़िया उड़ेंगे, इसका स्टेमिना हाई होगा। क्या जो बड़ा कबूतर हो पहले फ्लावट में, उसने क्या उड़ना, ये वही फर्क हो जाता है जो एक स्लिम आदमी और एक पेट वाले आदमी में जो बात होती है। बिल्कुल भैया ये बात तुम्हारी बिल्कुल सुलाने सही है। जैसे क्यों, जो बंदा बिल्कुल लाइट वेट होगा भाग लेगा, जैसे मोटा हो गया पेट, वो कैसे भागेगा? जी बिल्कुल, मैदान में तो भागेगा ही नहीं। सही बात है, ये कबूतरी सारा दिन भागेगी मैदान में। ये उड़ी हुई कबूतरी है? हाँ भैया, ये कितने बजे तक उड़ी हुई है? मेरे कम से कम 13-14 घंटे उड़ी हुई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे कबूतर सारे जिले हैं, बढ़िया कबूतर है सब नस्ल के। क्या बात, और कोई दूसरा जोड़ा? और भी जोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए उस्ताद जी अपने हाथों से दिखा रहे हैं आज कबूतर, बहुत अच्छा लग रहा है। लो भैया जी, ये कौन से कबूतर है अभी? ये इन्होंने काल लोग के बोलते हैं, प्योर मलवाई। प्योर मलवाई, हाँ, काल लोग के, इन्होंने काली चोंच ना। अच्छा अच्छा जी जी, काली चोंच वाला ये कबूतर जो दिख रहा है, ये काली चोंच में दिख रहा है, लास्ट में काली चोंच की हुई है दोनों ने। जी 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 जी, क्या बात, ये प्योर मलवाई कबूतर है भैया जी, देख लो इन्हें भी रिंग देख देना, देखो जी जी जी, रिंग दिख रहे हैं इनके भी। क्या भैया, ये जोड़ा भी है मेरा, बहुत काम जाओ, इसके बच्चे बहुत उड़ते हैं, इसके बच्चे भी उड़े हुए हैं बहुत, ऊपर ताड़े भी हुए कितने में। और ये देखिए, ये सारे ऊपर जो बैठे हुए हैं कबूतर, ये देखिए भैया। एक और खास बात चलो तुम्हें बता दें मैं। जी जी जी, देखो ये कबूतर है जी, इसकी खासियत दो तीन बताता हूँ। जी जी जी, देखो ये कबूतर की खासियत है, एक लाल बीच तीली आ रही है ना कबूतर के, देखो कन्नी के बीच। जी जी जी, जिस कबूतर में एक लाल कन्नी होगी ना। जी जी जी, लाल कलर जो आप ये जो बीच देखो जी, जो जी, जी, शेड है, जो ये भी शेड दिख रही है। हाँ, देखो, ये लाल दिख कलर में दिख रही है, दिख रही ना, ये सबसे बढ़िया कबूतर है। क्या बात है, और भी बताता हूँ। आ देखो बीच इसके शेड दिख रही है ना, पूंछ के देखो लाल, पूंछ के बीच में भी रेड कलर की, जो ब्लैक कलर की आपको शेड दिख रही होगी, ये सबसे बढ़िया नस्ल है। अच्छा, ये देसी और मलवाई हर कबूतरों में लागू होता है? ये नियम लागू होती भैया, ये नियम हर किसी कबूतर में लागू होता है? बिल्कुल लागू होते हैं, जैसे हमने कहते हैं जो लाल धारी वाला कबूतर है। जी जी जी, जिसको हम तीली बोलते हैं तुम लोग। जी, ये तीली जो है लाल आ जाए ना, सोने पे तो सुहागा। क्या बात है भैया, सोने पे सुहागा। चैलेंज है, शाम तक उड़ेगा। क्या बात है, और कबूतर घर से भागेगा भी नहीं, घर जितना मर्जी उड़ के आएगा, अपनी उड़ान पूरी दिखाएगा। एक कबूतरों की खासियत होती है, आम खिलाड़ी को नहीं पता होता, फिर मैं बताता हूँ, हर खिलाड़ी ऐसे करें। एक का लाल बीच तीली जी, तो एक ये पूंछ के बीच तीली है जी जी जी, लाजमी लाल होनी चाहिए या काली होनी चाहिए। क्या, तो वो कबूतर ज़्यादा उड़ेगा, बहुत बढ़िया कबूतर उड़ेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, इसके ऊपर देखो जो डोरा है, देखो बकरा दिख रहा है, जो उसकी आँख पीली है, तो डोरा भी पीले कलर का ही है। क्या बात है, तो उसका डोरा देखो बकरा दिख रहा है। जी 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 जी, जी जी जी, इसकी आईज की जो पलके हैं वो भी काली है, और काली, इसकी चोंच भी काली है। काली है, चोंच भी काली है, और पलके लास्ट वाली काली लगती है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये और तो भाई साहब, मैं देसी कबूतरों का भी दो जोड़े दिखा। हाँ, देसी कबूतर के भी जोड़े, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देसी भी आपके पास लाजवाब है, वो तो देखी है मैंने, ये नर है। और ऐसा ये तो सिर्फ अपने इंटरनेट पे देखे हुए हैं ऐसे कबूतर, तो ये तो गूगल पे अगर आप देखेंगे भैया, ये कबूतर की बड़ी खासियत है मेरे पास जी, इसकी एज है जी 20 साल से ऊपर है। इसकी 20 साल उम्र है? हाँ भैया, 20 साल एज होगी इस कबूतर की। क्या, इसके परिवार के बच्चे बहुत मैंने डाए हुए हैं, इसको हम फिरोजपुरी कल्सरे बोलते हैं। अच्छा, फिरोजपुरी में ना ये नस्ल प्रदीप भाई के पास भी देखी थी, इसमें से ही कुछ कबूतर थे जो प्रदीप भाई के पास। भैया इसके डोरे क्लियर दिखते हैं, देखो कितना डोरा क्लियर दिख रहा है, देखो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो कोकी के ऊपर आता है डोरा, देखो कितना क्लियर। जी जी जी, बाकी देखो ऊपर लास्ट वाले पत्थर कलर का आता है। जी जी जी, इसकी चोंच भी पूरी काली नहीं होती,
इन मोम नक्की कहते हैं। जी जी जी, आधी काली है और आधी सफेद है। हाँ, सफेद है। क्या बाकी इसकी देखो पहचान, इसके भी देखो माड़े माड़े डक्के दिख रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, यही इसकी खासियत है ज्यादा। क्या बात है, ये आप सारी दिहाड़ी उड़ा हुआ भैया, मेरे मुकाबलों में सारी दिहाड़ी उड़ा हुआ है बिल्कुल कबूतर। रात को नेरे हुए बैठता था मुकाबलों में, जितने में बैठता था। ये सबसे बढ़िया नस्ल ए है मेरी, पुरानी फेमस नस्ल एक ही जेई बची हुई है, बाकी ग्रीन एच वाले हैं तो एक ही जेई नस्ल है। क्या तो और भी दिखाता हूँ भैया मैं एक जोड़ा। ये नर इसकी मादी भी है ना, भैया स्लेटी कबूतर हमारे मशहूर स्लेटी। इनको हमारे मुंबई में आबी बोलते हैं। आबी बोलते हैं, हमारे स्लेटी बोलते हैं। स्लेटी सीमेंट कलर में। हाँ देखो लाल आँख इसकी, क्या बात है इसकी जोड़े की, देखो तुमने आँख सेम होगी। क्या बात है भाई, ये जो पाकिस्तान में ये आँख में कबूतर बहुत सारे मिलते हैं, टेडी कबूतरों में भी ये आँखें बहुत फेमस। हाँ टेडी जो होते हैं वो लाल आँख ज्यादा होती है भैया, इनों की लाल नहीं, गौर से देखो वो बिल्कुल खून चोता है जैसे लाल। जी 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 जी, ये जे आँख है सबसे बढ़िया आँख है। क्या सबसे ज्यादा कबूतर उड़ेगा इस आँख के। क्या बात है, माशाल्लाह देखिए मादी और ये नर, क्या बात है। इनका रिकॉर्ड है कुछ भैया, इनों का भी रिकॉर्ड बहुत है, हाई फ्लाइट में उड़े हुए हैं। हाई फ्लाइट सबसे ज्यादा उड़ते हैं, हाई फ्लाइट जो कबूतर समान पे जाके छुप के उड़ते हैं। जी जी, जावे सुबह के छुप गए, ये अपने टाइम पे ही निकलेंगे, जैसे हम टाइम देंगे जज को भी इतने बजे हमारा कबूतर दिखाई देगा, जैसे हम देंगे उसको 3 बजे टाइम या 4 बजे जी भैया कबूतर हमारा दिख रहा है भैया। जी जी, तो कबूतर हम निकलने लगा आसमान पे। क्या कबूतरों को जब छुप जाते हैं ये अपने नहरे निकलते पूरे रात पाके। क्या बात, ये जो खासियत इस नस्ल की, वेरी गुड। इसकी एक बार और आँख दिखा देते हैं आपको, देखिए इसकी आइस, क्या बात है। और इसकी नर की भी एक बार आँख दिखा देते हैं, देखिए भाई इसकी भी आँख, बहुत पुरानी नस्लें हैं ये। हाँ जी हाँ जी, मैं और भी दिखाता है भैया, ले पुरानी नस्लें और भी है मेरे पास, ये मेरी पुरानी नस्लें हैं। खजानों में के कुछ मोती देख रहे हैं अभी हम। हाँ, तो अभी बहुत और बाकी भी है। पुराने कबूतर ये देखिए, ये एक और खुड्डा है इसमें भैया, फैंसी कबूतर भी है मेरे पास, इसमें फैंसी कबूतर भी है, दूसरे भी हाई फ्लायर, दूसरे हाई फ्लायर्स भी हैं इसमें। हाँ, ये देखिए भैया, और इसमें पुराने कबूतर दिखाने लगा मैं। जी जी, जो हाई फ्लायर है। जी जी जी, पुराने हाई फ्लायर्स देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे, और कुछ फैंसी पिजन है। ये देख लीजिए भाई, ये एक और जालदार कबूतर जिनको बोलते हैं। हम इसको जालदार बोलते हैं, लाल जालदार, थोड़े फीके जालदार होते हैं लाल। क्या बात है, ये जोड़ा भी बिल्कुल बहुत बढ़िया उड़ते हैं भैया बच्चे इनों के। कितनी देर तक का रिकॉर्ड है इनका भैया? इनों का रिकॉर्ड गर्मी में 14 घंटे 15 घंटे आम है, आराम से और डेट अच्छी दे दोगे। क्या बात है, ये जालदार प्योर बोलते इनों को। जी जी, लाल जालदारों में, वाइट आइज में है ये। हाँ वाइट, क्या बात है, वाह। ये देखिए इसकी आइस, क्या बात है, शानदार। पलके भी इसकी वाइट हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। और मादिन और दिखा दीजिए एक बार। हाँ। इसकी मादिन की भी आंख देख लेते हैं, मादिन की आंख दिखा दीजिए एक बार। लो भैया ये देखिए, आगे तो पछड़ दे। और इसकी जो चोच के आगे जो वाइट वाइट जो देख रहे हैं हम लोग, फूल बना हुआ है, टेडी कबूतरों में पाया जाता है ऐसा फूल भैया, टेडियों में मिक्स हुए हुए। अच्छा, ये टेडियों में मिक्स है कबूतर हमारे, ये टेडियों का जूल है, देखो बिल्कुल पतला सा छोटे से कद का। जी जी, बिल्कुल उनो से ही है, टेडियों में ही है। क्या बात है, मैं टेडियों के और भी खाता है पकड़ के। जी जी, जो और भी टेडियों के है। लो भैया, हम तुम टेडी देखो, टेडी जिसको बोलते तुम लोग। क्या बात, ये भाई देख लीजिए, टेडी कबूतर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये है भाई प्योर टेडी, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई टेडी दिखाओ, तो ये देख लीजिए भाई, आलतू फालतू कबूतर प्योर है टेडी। बिल्कुल, आप जो टेडी टेडी चिल्ला रहे हैं जो आजकल नेट पे भाई, वो देख लीजिए अपनी आँख खोल के, टेडी इसको बोलते हैं। आ दिलो जो टेडी बोलते लोग, टेडी कबूतर ये देख लो, ये मेरे घर के पट्टे हैं अभी। ये आपने घर पे बनाई नस्ल? हाँ, ये इसका मैं माँ बाप भी दिखाता हूँ। इसके माँ बाप भी आप बताइए, ताकि जो लोग हैं वो भी टेडी बना सके घर। बिल्कुल बिल्कुल भैया, दिखाएंगे।
जी देखिए भाई, आप टेडी कैसे बनाया जाए आपको वो बता रहे हैं हम लोग कि टेडी कैसे बनेगा, कैसे बनाया है उस्ताद जी ने टेडी कबूतर, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको नुस्खा, लेकिन बिल्कुल बता रहे हैं उस्ताद जी। भैया मैं टेडी इनो से बच्चे बनते हमारे। अच्छा, इनसे बनाए हुए हैं आपने टेडी बच्चे जो बनते कलसरे घूड़े। ये देखो आग कबूतरी की, ये इसे मिक्स करके हमने बनाए। क्या बात है, ये देख लीजिए भाई इसकी आईज। इस आग से मिला के टेडी बने हुए हैं, तो ये जो प्योर बच्चे इसके शाम तक उड़ते हैं भैया हमें बताएं। और इसकी भी आग देख लीजिए आप एक बार, क्या बात है, ये देख लीजिए, ये है मेल, ये मेल की आईज, और ये है फीमेल, जो रेड कलर के आईज में है फीमेल, और मेल जो है वाइट कलर में है। और इनका कलर अगर आप देखेंगे, इनका कलर ये देख लीजिए, तो ये किस कलर से मिलके बने हुए हैं डैडी आप देख लीजिए एक बार। देखिए जोड़ा, ये जो मादी है ये जालदार, ये देखिए जालदार, ये मादी, ये भी भैया, ये भी रेड आईज पाकिस्तानी टैडी इनों से बनते हैं। क्या बात है, ये देखिए पाकिस्तानी टैडी जो बने हुए हैं भाई, ये देख लीजिए कौन से, ये देखिए इनके पलके, देखिए आप इतनी बड़ी पलके हैं इनकी। और उस्ताद जी अभी तो मद्रासी 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 सब तरफ मद्रासी चिल्ला रहे हैं लोग, आपका क्या बोलना है मद्रासी कबूतरों के बारे में? भैया मैं मद्रासियों वास्ते, मैं भी मद्रासी बहुत लेके आया था भैया जी, पहले पास मेरे भी खुटे भरे हुए थे मद्रासियों के। जी जी जी, पर मद्रासी हमारे पंजाब में नहीं चलते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलते। जैसे वो गर्मी होती है जैसे 40 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, वो पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, जैसे बाहर छत में बैठ जाते हैं। अच्छा, दूसरी जगह बैठ जाते हैं, दूसरी छत पे चंगे भरे घर में उठते हैं, उड़ रहे हैं बैठ रहे हैं, जब उसका बैठने का टाइम आता है नाल के घर पे ऊपर बैठ जाता है। अरे वो हमारा मूड खराब हो जाए, इतनी मेहनत की है, इतनी गिरियां खुवाई है, इतने उसको माया चीजें खुवाई बढ़िया, और फिर देखो इतना उड़ के आगे बाहर बैठ जाता है। क्या मारे को उतना मजार है, जितने मर्जी डालो, तो हमारे घर में जहाँ इट में डालेंगे वहां इट में बैठेंगे। क्या, जिस ईट के ऊपर से उठे, ईट के ऊपर डालिया वहां ही उसके ईट के ऊपर आगे बैठेगा कबूतर हमारे। क्या जो पंजाबी कबूतर है हमारे, जहाँ कहेंगे वहां ही बैठेंगे, तुम्हारे कमरे में कहेंगे तो कमरे में उतार देंगे। अरे बाप रे, तो भाई ये देख लीजिए, ये यहाँ पे सारे देसी कबूतरों का आपको अभी सेटअप है, ये दिखा रहे हैं हम लोग, और कुछ पंजाबी कबूतर दिखाया आपको, सबसे पहले देसी कबूतर यहाँ पे देख लीजिए, ये देसी कबूतर है उस्ताद जी के पास के, ये देख लीजिए भाई सारे कबूतर हैं यहाँ पे। और ये वाला एक कबूतर पकड़ के बताओ ना भाई, जिसके पंख नीचे लटक रहेंगे वाले, वो बड़ा वाला, ये वाला बताओ। ये सबसे बड़ा पुराना जालदार है मेरा, सबसे पहला कबूतर है, मतलब मैं जोड़ा दिखाता हूँ, ये जोड़ा, ये देख लीजिए इसकी आईज, छोड़ो भैया, इसकी खासियत है इसकी एज है इसलिए 20 साल के ऊपर, 20 साल इसकी एज है। हाँ, एक कबूतर सबसे पुराना है, इसको जैसे हम ढिल भरे बोलते हैं ना, ढिल भरे तुम्हारे पता नहीं क्या बोलते भैया बादशाह में, हमारे ढिल भरे बोलते हैं, ये जो इसके बाजू होते हैं ना ऐसे ढिले छोड़ देगा, इसकी दोनों का फिर करूंगा, इसको हम ढले हुए चंके बोलते हैं। हाँ, तुम्हारी भाषा हो रहा हमारी भाषा है। इसके आईज दिखा लेते हैं एक बार, ये देख लीजिए भाई इसकी आईज, क्लियर हो जाओ, ढले हुए चंग के कबूतर आपको दिखा रहे हैं अभी हम, ये देख लीजिए इसकी आईज, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, ये देख लीजिए भाई, कोशिश की मैंने, आग दिख गई इसकी, क्लियर जी जी भैया, इसको हम छपे जालदार बोलते हैं, छपे हुए जालदार, जिन्हें छापे वाले जालदार बोलते हैं ना। जी जी, बिल्कुल, देखो छपे हुए ना, देखो देखो, जी 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 जी, छपे हुए जालदार, बिल्कुल बिल्कुल। ये दो बारी टूर्नामेंट में ब्रीड शो में 2 बार ये फर्स्ट आ चुका है जोड़ा। क्या बात, सिर्फ छापे करके जालदार, ये एरकी भी हम छोड़ेंगे जोड़ा जी, फिर देखेंगे क्या बनता है इसका। अच्छा, ये भी छोड़ने वाले हैं? हाँ भैया, ये ब्रीड शो में जोड़ा 2 बारी फर्स्ट आ चुका है। क्या बात है, नर भी,
इसकी आइस दिखा देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, देखिए इसकी आइस। और उस्ताद जी बहुत कभी आपके पास वैरायटी तो कभी कबूतर जितने बड़े खुट्टे हैं उसके हिसाब से कबूतर बहुत कम है, उसकी कोई खास वजह है? भैया जितने ज़्यादा कबूतर रखेंगे ना खुट्टे में जी, उतने ही ज़्यादा तुम्हारे शिकायत आने की फर्क पड़ जाता है। जैसे कहूँ कबूतर ज़्यादा होगी सफाई नहीं होगी खुट्टे में। जी जी जी, हमारे देखो खुट्टे में सफाई है जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के देखो खुट्टे में इतनी इतनी बिट्ठे जमी होती है जी जी जी, वो जैसे बारिश पड़ेगी ऊपर आस पड़ेगी वो सारी बीमारी आ जाएगी खुट्टे में। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ठंडियों में खुट्टे साफ नहीं करने चाहिए, उनकी बीट से गर्माहट रहती है, ऐसा कुछ? बिल्कुल भैया गलत नहीं हो, देखो कितनी सर्दी है हमारे पंजाब में जी, सब खुट्टे देखो खाने तक सब बिट्ठे चक्की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं बिठ रहे, जब दाना डालेंगे ना पहले सफाई करके डालेंगे। क्या बात है, ये लोगों की सोच नहीं है, लोगों के जाके देखो बीमारियां भी कैसे खुट्टे में। सही बात है, हमारे खुट्टे में देखो आए तुम कबूतर देखे सारे ठीक है, सारे एकदम A1 दिख रहे हैं कबूतर। और यहाँ पे ये देखिए ये कौन सा जोड़ा है, ये भैया अपने फैंसी है, ये देखिए इसको नाम बोल के तो क्या बोलते हैं, बबर बबर, तुम बबर भी नहीं बोलते, हम और कुछ बोलते हैं, हम तो इसको बबर बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये बच्चे भी फैंसी है दोनों। अच्छा ये भी फैंसी है, हाँ छोटी छोटी वाले। तो भाई ये अभी अभी आपने देखे कुछ पंजाबी और कुछ देसी कबूतर, अब हम सिखाएंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको उस्ताद जी के पास के ग्रीन आइस के कबूतर। जब तक के लिए भाई अपने दोस्त जीत ठाकुर को इजाज़त दीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार।